हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिका ट्यूब। इस वीडियो में हम कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। मैंने फिजिक्स के काफ़ी पार्ट कवर कर लिए हैं एमसीक्यूज के लिए, बट सीएमपी पे अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया और किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करा था सीएमपी पे एमसीक्यूज का वीडियो बनाने के लिए। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद सीएमपी और इसके बाद इसके लिए और भी वीडियोज अपलोड करूँगी। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो एंड इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर्स, पीएन जंक्शन डायोड्स के रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग हैं, वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखना। आई एम श्योर कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ होल रेफर्स टू। तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं, वी नो देयर आर टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, वन इज पी टाइप एंड सेकंड इज एन टाइप। इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, यहाँ पे ऑपोजिट आता है कि होल जो है दे आर माइनॉरिटी कैरियर्स। तो यहाँ पे जो होल है इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट इट रेफर्स टू। जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो गलती से कई लोग ये इसका आंसर मान लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को हमने कैसे डिनोट करना है, ई पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन, दिस इज नॉट अ होल, दिस इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कॉल्ड पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है दैट इज इनकरेक्ट। बी इज एन इलेक्ट्रॉन दैट हैज समहाउ लॉस्ट इट्स चार्ज, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज जो है वो कभी भी लूज नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना फंडामेंटल चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम वो उतना ही रहेगा, तो उसको आप होल नहीं बोल सकते। थर्ड है द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द अदरवाइज फिल्ड बैंड, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये कैसे होगा, हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ये जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, चाहे सिलिकॉन का एग्जाम्पल आप ले लो। सो इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, वन ऑफ द जर्मेनियम एटम इट इज रिप्लेस्ड विद द एल्युमिनियम और एनी अदर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी लाइक बोरॉन और एल्युमिनियम। यहाँ पे आप जो आउटर शेल है वहाँ पे सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि जर्मेनियम में चार हैं। तो अगर तीन प्रेजेंट हैं तो इट मीन्स कि जो एक ये कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो गया। दिस इज जस्ट द एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज कॉल्ड होल, ठीक है, इसको आप होल बोलोगे, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ प्योर सेमी कंडक्टर द फर्मी लेवल इज। तो जो प्योर सेमी कंडक्टर है इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर, और इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर जो है इट इज एन इंसुलेटर वैन द टेम्परेचर टी इज जीरो, ठीक है, वैन देर इज नो थर्मल एजिटेशन। तो उस केस में क्या होता है कि जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है वहाँ पे दो बैंड्स हम बोलते हैं, वन इज वेलेंस बैंड एंड सेकंड इज कंडक्शन बैंड। और वेलेंस बैंड जो है इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और जो कंडक्शन बैंड है इट इज़ एम्प्टी। सो वी कैन से कि जो फर्मी लेवल है इसकी अगर आप डेफिनेशन देखो तो फर्मी लेवल लाइज इन बिटवीन द वेलेंस एंड द कंडक्शन बैंड एंड बिलो द फर्मी लेवल ऑल द एनर्जी लेवल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड एंड अबव दिस द एनर्जी लेवल्स आर अनऑक्यूपाइड और अनफिल्ड। तो इसलिए जो प्योर सेमी कंडक्टर है उसमें क्या होता है कि ये जो फर्मी लेवल है इट लाइज इन बिटवीन द वेलेंस एंड द कंडक्शन बैंड, ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द वेलेंस एंड कंडक्शन बैंड। और ई एफ की वैल्यू होती है ई सी प्लस ई वी ओवर टू, ठीक है, क्योंकि ये मिडल में होता है वेलेंस एंड कंडक्शन बैंड के। और यहाँ पे अगर टेम्परेचर जीरो है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वेलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा। हाउएवर इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज मीन्स देर इज थर्मल एक्साइटेशंस, तो इन दैट केस द इलेक्ट्रॉन्स दे गेट एक्साइटेड फ्रॉम द वेलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। और यहाँ पे जो है जो साइड बच जाती है दैट इज कॉल्ड होल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से अगर कंडक्शन बैंड में चला जाएगा सो इट विल लीव अ होल इन द वेलेंस बैंड। सो इट मीन्स जो इसका आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इन अ सॉलिड drops from bottom of conduction band at 5.5 electron volt to the top of valence band that is 3.2 electron volt. The emitted particle is, जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड से वेलेंस बैंड में जब ट्रांजिशन होगा तो वहाँ पे इमिटेड जो पार्टिकल है वो क्या होगा। सबसे पहले जो पार्टिकल इमिट होगा दैट विल बी अ फोटोन। इट मीन के जो आंसर आएगा सी और बी में से आएगा,
ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगी तो फोटोन इमिशन होगा, और फोटोन का जो एनर्जी है वो क्या आएगा, जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का एनर्जी डिफरेंस है वो आएगा। ठीक है, तो दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना बना, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स के जो ऑप्शन बी है यहाँ पे एनर्जी कितनी दी हुई है, 3.2, बट होनी चाहिए 2.3, तो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ इनकरेक्ट। और जो ऑप्शन सी है दैट इज़ फोटोन ऑफ दिस मच फ्रिक्वेंसी। तो हमें क्या करना है कि ये फोटोन की एनर्जी आ गई हमारे पास, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है। ई की हमें वैल्यू पता है, ई का फॉर्मूला है एच न्यू इज इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जॉल में कन्वर्ट कर लेंगे, 1.6 × 10⁻¹⁹ एंड आपको न्यू निकालना है, दैट इज़ फ्रिक्वेंसी। तो क्या होगा कि ये जो टर्म है इट विल बी डिवाइडेड विद एच, ठीक है, और जो एच है दैट इज़ प्लैंक कांस्टेंट, और एच की वैल्यू 6.628 × 10⁻³⁴ होती है। जब एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻¹५। यहाँ पे जो फैक्टर आएगा दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2, ठीक है, बट जो फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर आएगा 10⁻¹५ हर्ट्स आएगा। इट मीन्स इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पी टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पी टाइप सिलिकॉन की। पी टाइप में हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स। यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस हैं बी एंड सी, दोनों में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर्स लिखे हुए हैं। इट मीन्स बी और सी में से आंसर आएगा। और पी टाइप मटेरियल में हमें अभी जब जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा है कि हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एल्युमिनियम बोरॉन गैलियम वो इसमें हम ऐड करते हैं, ताकि जो एक जो साइट है, ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड होल। तो इसलिए यहाँ पे हम ट्राइवेलेंट डोपेंट ऐड करते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन करंट इन अ पी एन जंक्शन डायोड इज स्मॉलर देन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड इफ़। फर्स्ट ऑप्शन है कि जो डायोड है इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, सेकेंड इज द जंक्शन डायोड इज़ अनबायस्ड, द जंक्शन डायोड इज़ रिवर्स बायस्ड, और इन नो केस ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट आर ऑलवेज इक्वल। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पी एन जंक्शन डायोड है, दिस इज़ द पी एन जंक्शन डायोड, ऑन द पी साइड द होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ऑन द एन साइड द इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स विद स्मॉल नंबर ऑफ होल्स। सो जो डिफ्यूजन करंट है और ड्रिफ्ट करंट है वो क्या होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो डिफ्यूजन करंट है जो, दिस इज बिकॉज ऑफ द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि एन साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, पी साइड पे होल्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम एन टू पी साइड एंड दैट विल कॉज द डिफ्यूजन करंट। तो एन टू पी साइड जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इट मीन्स कि डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। तो इट मीन्स जो डिफ्यूजन करंट है इट विल बी फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, तो ये डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और जो ड्रिफ्ट करंट है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्टिंग ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द दिस पॉजिटिव जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो जनरेट हुआ है दिस डिप्लीशन रीजन का, तो इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल ड्रिफ्ट टुवार्ड्स द एन साइड। और जब इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग इस साइड होगी, दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली दिस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग ऐसे हो रही है इट मीन्स जो ड्रिफ्ट करंट है इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन और फ्रॉम द एन टू पी साइड, तो ये आपकी ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन हो जाएगी एन टू पी, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सो जो फर्स्ट केस अगर हम देखें कि अगर कोई भी बायसिंग नहीं है, मीन्स इफ द डायोड इज अनबायस्ड, और उस केस में क्या होता है कि जो डिफ्यूजन करंट है और ड्रिफ्ट करंट है दे विल कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बट हमें यहाँ पे बताना है कि डिफ्यूजन करंट जो है वो स्मॉलर कब होगा ड्रिफ्ट करंट से, डिफ्यूजन करंट की वैल्यू ड्रिफ्ट करंट से कम कब होगी। तो हम दोनों केस देख लेते हैं, अगर फॉरवर्ड बायस है एंड रिवर्स बायस है, तो अगर फॉरवर्ड बायस करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि पी साइड जो है इट इज़ विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और जो एन साइड है इट इज़ विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी,
एंड बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव टर्मिनल वी कैन से दैट दिस वोल्टेज इज सप्लाइंग मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एन साइड. तो जहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की, एंड सिमिलरली यहाँ पे होल्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी. सो देयर विल बी अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. और जब कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट विल वीकन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन रीजन. और अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया तो डिप्लीशन रीजन की जो वेट है इट विल डिक्रीज. ठीक है, जितनी पहले थी अनबायस के केस में उससे कम हो जाएगी. तो फॉरवर्ड बायस के केस में हम बोलते हैं कि डिप्लीशन रीजन की जो वेट है वो डिक्रीज हो जाती है. दैट इज़ वाई द डिफ्यूजन इज मोर. तो डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी मीन्स डिफ्यूजन करंट जो है इट विल बी मोर देन द ड्रिफ्ट करंट इन द फॉरवर्ड बायस. ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि वेन द डिफ्यूजन करंट इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट. तो हम बोल सकते हैं कि जो फॉरवर्ड बायसिंग का केस है वहाँ पे डिफ्यूजन करंट जो है इट इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट. ठीक है, बट इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया अपोजिट कि डिफ्यूजन करंट जो है ड्रिफ्ट करंट से स्मॉल कब होगा. तो वो कब होगा इसका उल्टा कर दो मीन्स यहाँ पे अगर हम रिवर्स बायस कर देंगे डायोड को. तो अगर हमारी डायोड रिवर्स बायस हो गई मीन्स ये जो है ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच हो गया और एन पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच हो गया, उस केस में डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज हो जाएगी एंड देर विल बी लेस डिफ्यूजन एज कम्पेयर टू ड्रिफ्टिंग. तो ड्रिफ्ट करंट ज़्यादा हो जाएगा उस केस में. इट मीन्स कि यहाँ पे जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन सी कि जब जंक्शन डायोड रिवर्स बायस है उस केस में डिफ्यूजन करंट जो है इट इज स्मॉलर देन द ड्रिफ्ट करंट. तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं. इस क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए और थर्ड जो क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ है दैट इज़ कि अनबायसिंग का जब केस है उस केस में ये दोनों इक्वल हो जाते हैं. ठीक है जी, नेक्स्ट इज गिवन डोप सेमीकंडक्टर कैन बी आइडेंटिफाइड एज पी टाइप और एन टाइप बाय. सो अगर कोई भी गिवन सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप देन इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट. ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने MSc में करा होगा. सो हॉल इफेक्ट क्या होता है कि कोई भी अगर आपके पास गिवन कंडक्टर है, सपोज दिस इज अ कंडक्टर एंड दिस इज वाई डायरेक्शन देन एक्स एंड जेड डायरेक्शन एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड इफ वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेट अस से अलॉन्ग द जेड एक्सिस देन वट विल हैपन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग द थर्ड एक्सिस दैट इज अलॉन्ग द नेगेटिव वाई डायरेक्शन. तो जो भी चार्ज कैरियर्स होंगे दे विल गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द कंडक्टर और सेमी कंडक्टर. ठीक है, इस केस में क्या होगा कि अगर आपके पास गिवन सेमी कंडक्टर है सो इफ़ द सेमी कंडक्टर इज एन एन टाइप सेमी कंडक्टर उसमें क्या होगा कि वेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेमी कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलॉन्ग दिस डायरेक्शन तो जो चार्ज कैरियर्स होंगे दे विल गेट एक्यूमुलेटेड एट द लोअर सरफेस. अब जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें चार्ज कैरियर जो होते हैं दे आर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स एंड जो होल्स होते हैं दे आर माइनॉरिटी कैरियर्स. तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द बॉटम सरफेस. इट मींस बॉटम सरफेस जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा एंड द अपर सरफेस विल बी पॉजिटिवली चार्ज. सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी. एज अ रिजल्ट द हॉल वोल्टेज विल बी जनरेटेड एंड जो हॉल वोल्टेज इस केस में जनरेट होगी दैट विल बी नेगेटिव फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर. नाउ फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर वी नो दैट द होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स एंड व्हेन दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू सेमीकंडक्टर तो क्या होगा कि जो चार्ज कैरियर्स हैं होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दे विल गेट एक्यूमुलेटेड एट द लोअर सरफेस. अब क्योंकि यहाँ पे जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी कैरियर हैं तो बॉटम सरफेस जो होगा इट विल गेट पॉजिटिवली चार्ज. तो बॉटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा इट मीन जो अपर सरफेस है इट विल बी नेगेटिवली चार्ज एंड इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इट विल जनरेटेड इन दिस डायरेक्शन. इट मीन्स यहाँ पे जो हॉल कोफिशियंट का वैल्यू आएगा दैट विल बी पॉजिटिव. सो फ्रॉम द हॉल कोफिशियंट वी कैन फाइंड कि जो सेमीकंडक्टर हमें दिया गया है वेदर इट इज़ पी टाइप और एन टाइप. नेक्स्ट इज इन एन अनबायस्ड पी एन जंक्शन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
वैनिशेज एवरीवेयर, द इलेक्ट्रिकल फील्ड वैनिशेज एवरीवेयर, ड्रिफ्ट करंट वैनिशेज एवरीवेयर और द ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट्स कैंसिल ईच अदर. सो दिस इज़ अ पी एन जंक्शन डायड. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि पी साइड द होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स और एन साइड पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. सो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल फ्लो फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, और जो यहाँ पे लैटिस साइड्स होंगी दोज एटम्स विल एक्वायर दिस इलेक्ट्रॉन. जब इलेक्ट्रॉन होल को फिल करेगा तो एक्सेप्टर जो आयंस होंगे वो यहाँ पे जंक्शन के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे. सिमिलरली जो डोनर आयंस होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे टू द एक्सेप्टर आयंस वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ डिप्लीशन रीजन. तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन बन जाएगा. और जो डिफ्यूजन करंट है उसकी डायरेक्शन जो है दैट इज़ फ्रॉम पी टू एन, दिस इज डिफ्यूजन करंट. ठीक है, एंड जब ये बैरियर बन जाएगा, ये डिप्लीशन रीजन बन जाएगा, सो दिस रीजन विल हैव एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, दिस इज वी. इट मीन्स के जो पोटेंशियल है वो वैनिश नहीं होगा. ठीक है, और करस्पॉन्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा. उसकी शेप ऐसे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की. इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी बैनिश नहीं होगा. ऑप्शन ए एंड बी जो है दोनों रॉन्ग है अनबायस्ड जंक्शन के केस में. और जो ड्रिफ्ट करंट है वो कैसे प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर्स. क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस बैरियर, तो इन दैट केस जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड दिस पॉजिटिव रीजन एंड होल्स जो हैं जो माइनॉरिटी कैरियर हैं एन साइड वो इस साइड शिफ्ट होंगे. तो इट मीन्स के इसके कारण जो करंट आएगा दैट इज़ ड्रिफ्ट करंट एंड उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज़ फ्रॉम एन टू पी. ठीक है, तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट जो हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस जब स्टॉप हो जाएगा जब बैरियर बन जाएगा उसके बाद ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होगी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द बैरियर. तो इसलिए जो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट होते हैं इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन दे आर इक्वल. जब तक उसकी बायसिंग नहीं होगी वो दोनों इक्वल होंगी. सो इसका जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज इफ द बैंड गैप ऑफ एन अलॉय सेमीकंडक्टर इज 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द मटेरियल रिंग कंबाइन डायरेक्टली. तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, बैंड गैप EG की वैल्यू है 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वी हैव टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन. तो यहाँ पे E हमें पता है h न्यू होता है, h न्यू को हम लिख सकते हैं h c अपॉन लैम्डा. ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल टू 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में कन्वर्ट कर लेंगे बाय सब्सटीट्यूटिंग इस वैल्यू 1.6 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 19. ठीक है, और लेफ्ट साइड हम h की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और जो लैम्डा का हमारा वैल्यू आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू एच सी अपॉन, ठीक है, इस साइड ले जाएंगे लैम्डा को और ये इससे डिवाइड हो जाएगा 1.98 इंटू 1.6 इंटू 10 इज पावर माइनस 19. तो इसको जब सॉल्व करेंगे एच सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके और हमारा आंसर आएगा लैम्डा का अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6250. ठीक है, इसके आसपास आंसर आएगा हमारा. सो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट, अ रिवर्स वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ सिलिकॉन डायड, द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर विल बी. तो यहाँ पे जो सिलिकॉन डायड है इट इज़ रिवर्स बायस्ड एंड द वोल्टेज दैट इज अप्लाइड इज 10 वोल्ट. तो हमें पता है कि जब हम फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक डायड की करते हैं तो रिवर्स बायस के केस में जो इनिशियली जो करंट फ्लो करता है दैट इज़ वेरी स्मॉल इन द यूनिट्स ऑफ माइक्रो एम्पियर. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है और वी कैन से देर इज़ अप्रॉक्सीमेटली नो करंट इज़ फ्लोइंग इन द रिवर्स बायस. ठीक है, इनिशियली कोई करंट फ्लो नहीं करता तो इट मीन्स कि कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा. ठीक है, अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो देर इज़ नो वोल्टेज ड्रॉप. एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि डिप्लीशन लेयर का जो वोल्टेज है अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर दैट विल बी सिमिलर टू द अप्लाइड वोल्टेज. तो इसलिए इसका आंसर आएगा दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 वोल्ट, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू
क्योंकि वेरी स्मॉल करंट विल फ्लो, सो देर इज़ वेरी स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप एंड द वोल्टेज अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 10 वोल्ट. सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 cm³ ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ. सो 1 cm³ अगर वॉल्यूम हम कंसिडर करें सेमीकंडक्टर का, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, दैट इज इक्वल टू 10^22. ये आपको याद रखना है, नंबर ऑफ एटम्स इज 10^22. नेक्स्ट इज द डोपिंग लेवल्स ऑफ एन एंड पी पार्ट्स इन द टनल डायड आर. तो डोपिंग लेवल जो है टनल डायड के, दैट इज 1 × 10^3, क्योंकि जो टनल डायड है इट इज़ हैवीली डोप्ड डायड लाइक द जीनर डायड. जीनर डायड जो है वो रिवर्स बायस में वर्क करती है, टनल डायड फॉरवर्ड बायस में वर्क करती है. और जो टनल डायड है यहाँ पे 1000 एटम्स के लिए एक डोपेंट ऐड करा जाता है. जैसे जो नॉर्मल डायड होती है हमारी पी इंजेक्शन डायड, डोपिंग लेवल उसमें क्या होता है 1 × 10^8. और जो टनल डायड है इसका जो वर्किंग है दैट इज़ कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ हैवीली डोपिंग तो जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो स्मॉल हो जाती है. बिकॉज ऑफ स्मॉल विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन द फॉरवर्ड बायस इवन व्हेन वेरी स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड, ठीक है, तो उस केस में भी वी विल गेट द इनफ वैल्यू ऑफ द करंट इवन फॉर द स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज. और जो टनल डायड है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टनलिंग, ठीक है. सो इसका आंसर आएगा 1 × 10^3. सिमिलरली जीनर डायड का अगर क्वेश्चन आ जाए उसमें भी हैवीली डोपिंग होती है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस, एंड दिस इज द डोपिंग इन द नॉर्मल डायड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर पी एन जंक्शन डायड इज यूज. तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, चार डिटेक्टर्स गिवर हैं. इनमें से जो बी एंड डी ऑप्शन है, दीज आर द गीगर मूलर काउंटर एंड प्रोपोर्शनल काउंटर, ठीक है. ये डिटेक्टर हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में या पार्टिकल फिजिक्स में करे होंगे. और ये जो दोनों हैं बी एंड डी ऑप्शन, दीज आर कॉल्ड गैस फील्ड डिटेक्टर्स. यहाँ पे क्या है कि जो ट्यूब होती है इट इज़ फिल्ड विद सम गैस एंड दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड सेंटर में, ठीक है. और ये दोनों जो हैं दे कैन डिटेक्ट द न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक गामा रेज और लो एनर्जी एक्सरेज. जो सिंटिलेशन काउंटर है यहाँ पे क्या होता है कि जो सिंटिलेशन मटेरियल जो है जनरली फास्फर यूज होता है यहाँ पे, एंड व्हेन अ चार्ज पार्टिकल पासेस थ्रू इट इट प्रोड्यूस अ फ्लैश ऑफ लाइट, और इसलिए इसको सिंटिलेशन काउंटर बोलते हैं. और जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज सरफेस बैरियर डिटेक्टर. तो यहाँ से बैरियर वर्ड से भी थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये एक सेमीकंडक्टर डिटेक्टर है जिसमें पीएन जंक्शन डायड यूज होती है. यहाँ पे जनरली सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल जो है इट इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है. तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट, अ जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इज डोप विद एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन ऑफ 10^15 atoms/cm³. तो यहाँ पे जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है उससे डोप करा गया है, मीन्स दिस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड द होल मोबिलिटी इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय रो और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज 1/σ. और यहाँ पे जो सिग्मा का फॉर्मूला आएगा दैट इज ई एंड मल्टीप्लाइड बाय NH, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड द मोबिलिटी ऑफ द होल्स μH. तो हमें पहले ये ई जो है ये चार्ज है, चार्ज हमें पता है होल के ऊपर 1.6 × 10^-19 कूलम होगा, ठीक है. यहाँ पे कंसंट्रेशन जो गिवन है दैट इज 10^15 atoms/cm³ एंड मल्टीप्लाइड बाय द मोबिलिटी दैट इज 800 cm² per volt/s, ठीक है. और यहाँ पे जो दूसरा एक यूनिट है पर सेंटीमीटर क्यूब उससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये चार्ज के यूनिट क्या आएंगे, कूलम आ जाएंगे, ठीक है. तो जब ये वाली चीज़ सॉल्व करेंगे क्या आएगा आंसर, 2880 × 10^-4. और साथ में यूनिट क्या बचेंगे आएगा पर सेंटीमीटर, ठीक है, और कूलम वोल्ट सेकेंड. और कूलम पर सेकेंड क्या हो जाएगा, ये करंट के यूनिट हैं. तो जब हम
रो निकालेंगे, रो इज वन अपॉन सिग्मा, जब वन अपॉन सिग्मा करके सॉल्व करोगे एंड यूनिट क्या बन जाएंगे, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा वैल्यू 3.472। सो रेजिस्टिविटी आएगी मटेरियल की ऑप्शन सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द बेस ऑफ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज, तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, दिस इज द इमिटर रीजन, दिस इज द कलेक्टर रीजन, एंड जो सेंटर में है दिस इज द बेस रीजन एंड दिस इज एनपीएन। और हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज कि जो बेस है एनपीएन ट्रांजिस्टर का उसकी कौन सा नेचर होगा इसमें से। सो जो बेस होता है दैट इज लाइटली डोप्ड, लाइटली डोप करा जाता है बिकॉज कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल जो रिकॉम्बिनेशन है इट शुड बी लेस। अगर लाइटली डोप्ड होगा और थिन होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, तो इट मीन्स जो बेस करंट आएगा दैट विल बी स्मॉल, सो दैट वी कैन गेट द कलेक्टर करंट आई सी ऑलमोस्ट इक्वल टू द एमिटर करंट आई ई। सो इसका जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन बी, बेस इज लाइटली डोप्ड इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। सो दैट इज ऑल अबाउट द MCQs ऑफ PN जंक्शन एंड semiconductors, ठीक है। और इसके ऊपर अभी कुछ और क्वेश्चंस भी हैं दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।